मैं जा रहा हूँ शॉपिंग करने, मार्केट आपको करूंगा मैं आज जनकपुरी सी ब्लॉक मार्केट का एक्सप्लोर। ये मार्केट यहाँ पर क्या क्या चीज कितने की मिलती है तो मैं आपको आज दिखाऊंगा। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो दोस्तों इसका एड्रेस है जनकपुरी सी ब्लॉक मार्केट, काफी फेमस है। सैटरडे को यहाँ पर दोस्तों ये मार्केट लगती है, बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पर अगर आप चीज खरीद सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रही है अंत तक। तो दोस्तों अभी मेरा हो चुका है आउटफिट इज रेडी, तो मैंने अभी आउटफिट मैंने पहन लिया है, जीन्स व्हाइट एंड जैकेट एंड कैप एंड वॉच। तो दोस्तों चलिए अभी मैं चलता हूँ और तो मैं चलते हैं, हम लोग जा रहे हैं मार्केट। ये खाला जा रही है मार्केट और ये खालो यहाँ पर चाय पी रहे हैं और ये आंटी जी बुआ पी रही है और ये बेचारे दोनों बच्चे मासूम से सो रहे हैं। और फिर टीवी कौन देख रहा है? उस्मान गाजी हम देख रहे हैं। तो चलो चलो चलो, बहुत टाइम हो गया। यहाँ क्या बन रहा है खाने में, आके खाना खाएंगे रेडी होने के बाद। प्याज चटनी सब कुछ है रेडी। महक चलो चलते हैं मार्केट। चलो दोस्तों चलिए हम निकल रहे हैं मार्केट, मैं एंड माय सिस्टर एंड मेरी एक और छोटी सिस्टर, दोनों हम चल रहे हैं मार्केट और वहां जाकर हम खरीदते हैं, शॉपिंग करते हैं, क्या क्या लेते हैं दोस्तों करते हैं, एंजॉय द लाइफ। दोस्तों वीडियो में बने रहे एंड तक और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, तक आने वाली वीडियो आपको मिलते रहे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं जनकपुरी सी ब्लॉक की मार्केट का एक्सप्लोर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लगती सैटरडे को मार्केट, बहुत ही बड़ी मार्केट है। दोस्तों यहाँ पर क्या क्या मिलता है आपके सामने इस वीडियो हम रखने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पूछ लेंगे तो प्लीज, ये वॉश नहीं हुए हैं, बहुत गंदे हो रहे हैं। अभी चल रहे हैं नीचे, नीचे जाने के बाद फिर पिलेंगे। मार्केट रह चुके हैं नीचे। मैं अभी निकल चुका हूँ यहाँ पर बहुत ज्यादा कल थोड़ा पैदल चढ़ना पड़ रहा है और यहाँ पर हम यहाँ से लेंगे बैटरी रिक्शा। बैटरी रिक्शा देखते हैं कितने रुपए लेता है यहाँ से। पर हैक भी आ गई है साथ में और अलीशा अप्पी भी आ गई है। अलीशा कैसी हो अभी? अलीशा देखो करेगी सलाम, सलाम करो, सलाम करो अलीशा, नहीं कर रही। तो अभी मैं हम बैठने वाले हैं अभी बैटरी रिक्शा के अंदर और करेंगे पूरी मार्केट को आज एक्सप्लोर। और दोस्तों वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को करें सब्सक्राइब, ऐसी ही वीडियो जानेंगे। दोस्तों कल का ब्लॉग होगा जामा मस्जिद पे, संडे मार्केट जो लगती है चोर बाजार, कल का ब्लॉग कल करेंगे हम। आ चुका हूँ अभी मार्केट के अंदर, यहाँ लाइट हो गया बढ़िया बढ़िया चमचमानी। आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे क्या क्या सामान मिल रहा है। दोस्तों ये जो मार्केट, दोस्तों ये जो मार्केट है ये जनकपुरी सी ब्लॉक की मार्केट है, सी टू की मार्केट है। यहाँ पर काफी सारे सामान मिलते हैं और इसके बराबर में यहाँ पर ये गवर्नमेंट का स्कूल है दिल्ली केजरीवाल का। ये देखिए काफी सारी यहाँ मार्केट है, यहाँ पर सब सामान मिल रहा है। तो दोस्तों अभी यहाँ से हम एंट्री कर चुके हैं और अभी आगे जाके दिखाऊंगा आपको क्या क्या सामान यहाँ मिल रहा है। दोनों साइड में यहाँ मार्केट लगती है और काफी बड़ी मार्केट सैटरडे के दिन यहाँ लगती है, तो आप आकर यहाँ सामान खरीद सकते हैं। नियर बाई जो भी आपके यहाँ पड़ता हो, उत्तम नगर के यहाँ से 3-4 किलोमीटर है यहाँ पर मार्केट लगती है सैटरडे को। तो अभी यहाँ मैं आ चुका था कपड़े लेने के लिए, बट यहाँ मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो यहाँ पर मेरी वीडियो में वॉइस नहीं आ रही थी। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं जैकेट, ये 100 रुपए की थी, हर माल 100 रुपए का यहाँ पर छाट सकते हैं, कोई 100 रुपए की। और यहाँ मैं टर्न किया, टर्न होने के बाद ये जो यहाँ पर लगी है ये 150 रुपए की थी जैकेट लेडीज की, यहाँ पर ये गारमेंट की बिक रही थी। दोस्तों यहाँ अंकल ने भी काफी कॉर्पोरेट किया था, मुझे दिखाया अंकल ने एक पीस मुझे 150 रुपए का बोल के काफी अच्छी तरीके से उन्होंने मुझे कॉर्पोरेट किया। बट क्या करें दोस्तों यहाँ पर माइक हिल गया था तो अच्छे से मैं वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया था, वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही, तो इसलिए मुझे एक्सटर्नल माइक से वॉइस रिकॉर्ड करनी पड़ रही है दोस्तों। तो ये दोस्तों यही सब जो देख रहे हैं अंकल आपको दिखा रहे हैं, 150-150 रुपए का कोई सा भी पीस आप 150 का ले सकते हैं। ये जैकेट भी 150 रुपए की है जो अंकल दिखा रहे हैं और दोस्तों बहुत ही प्यारी प्यारी जैकेट थी दोस्तों। और यहाँ पर इधर भी देखेंगे, ये हाफ स्लिप में थी, एक शॉर्ट स्लिप में थी, सब ये 150 रुपए की थी दोस्तों। ये वाली देखिए हाई नेक थी, शॉर्ट्स में थी, ये जीन्स के ऊपर जो पहनते हैं ये भी 150 रुपए की थी, प्योर कॉटन में थी, एकदम अच्छी थी बहुत ज्यादा दोस्तों। और अंकल यहाँ पर हर चीज में दिखा रहे थे। ये दोस्तों ट्राउजर थे या लोवर, आई थिंक मुझे याद नहीं इतना,
तो बट जो भी था दोस्तों ये 150 रुपए के थे, ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे। यहाँ एक बच्चे ने मुझे आवाज दिया, उसने मुझे एक चीज दिखाई जो कि दोस्तों बहुत ही ज्यादा कॉस्टली, बहुत महंगी थी। अंकल ने मुझे इसके बारे में बहुत कुछ बताया भी है वीडियो के माध्यम से, आपको खोल के दिखाया इसका फैब्रिक अंदर साइड भी और बाहर का भी। बाहर दोस्तों ये लेदर है जो मैंने छू के देखा, अंदर था इसमें एकदम बढ़िया हाई प्रोफाइल क्वालिटी वाला फर। इसकी दोस्तों रियल प्राइस बहुत ही ज्यादा हजारों में है, बट ये अंकल दे रहे थे इसको 2200 रुपए का मात्र। और दोस्तों ये बहुत ज्यादा खूबसूरत, बहुत ज्यादा हैवी और बहुत ही ज्यादा लग्जरी टाइप का ये फैब्रिक था इसमें। ये जो दोस्तों टेक्सचर था, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एकदम लेदर था, प्रीमियम लेदर। और इसके जो ये बटन्स थे ये भी दोस्तों बहुत अच्छे थे, बट दोस्तों ये बहुत प्यारा था। और इसके बाद दोस्तों ये जो लेदर में थी ये 400 रुपए का था, ये भी बहुत अच्छा था, बट उसके कंपेयर में ये हाफ 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 था, बहुत अच्छा था ये भी, बट नो डाउट बहुत अच्छा। ये 400 रुपीज का था, ये भी 400 रुपीज का था दोस्तों ब्राउन वाला। और इसके बाद जो ब्लैक वाला दिखाएंगे अभी अंकल, वो भी बहुत अच्छा था, बट वो एकदम सॉफ्ट था, वो भी रैक्सीन था। ये दोनों रैक्सीन है, ये भी रैक्सीन है, बहुत सॉफ्ट रैक्सीन थी, एकदम बहुत ही ज्यादा मुलायम इसको मैंने छुआ था। तो दोस्तों इसके अलावा भी एक और अंकल ने दिखाया मुझे नीचे वाला, ये भी दोस्तों वेलवेट में था पूरा, ये 350 का था। और ये हाँ, ये एक्चुअली अंकल क्या था, ये पूरा ब्लेजर टाइप का था 350 का, नीचे सारे लगे 350 के, ये सब भी सारे 350 के थे। और इसमें भी मैं जो जूम करूंगा वो था 800 रुपीज का। अभी देखना बताया मुझे अंकल ने, ये जो था वो था ब्राउन वाला 800 रुपीज का। उसके बाद जो सारे थे दोस्तों पर 400 350 के लगे हुए थे। अंकल ने काफी सारे कॉर्पोरेट किया, मुझे समझ में नहीं आया। तो दोस्तों अभी आपने सारी चीज देखी है, यहाँ पे भी थे ये लेडीज के लोअर से जो नाइट में पहनते हैं, तो यहाँ पर ये पैंट टाइप के तो कुछ मिक्स भी था इसमें, कॉटन ये 100-100 रुपए का था, ये भी 100-100 रुपए का था, यहाँ वाला भी। ये सारे दोस्तों 100-100 रुपीज के ऊपर के थे नाइट में सोने के लिए। दोस्तों अंकल ने पूरा एड्रेस मुझे बताया, सारा यहाँ पर रिवील किया, बट दोस्तों क्या करें, यहाँ पर हम लोग इसको नहीं कर पाए। खैर जो भी है, हाँ, आने के बाद दोस्तों मैंने एक शॉप देखी, यहाँ पर हर माल 5 रुपए का था। यहाँ भी मैंने वीडियो शूट की, उस लड़के से पूछ के उन्होंने बताया हाँ शूट कर सकते हो, हर माल 5 रुपए का, कुछ भी खरीद सकते हो। यहाँ पर लड़के ने बोला मुस्कुरा करके, आपका यूट्यूब चैनल है, तो मैंने उसको बताया। बट दोस्तों यहाँ भी माइक काम नहीं कर रखा था और मैं अपने वीडियो बनाने की धुन में था, मैंने चेक नहीं किया कि माइक काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो दोस्तों ये जितना भी यहाँ माल देख रहे हो आप, ये सारा का सारा दोस्तों 5 रुपीज की सेल थी। कुछ भी आप यहाँ पर पीस 5 रुपीज के यहाँ से ले सकते हैं, जो कि ये एकदम वर्थ इट था 5 रुपीज के हिसाब से। दोस्तों यही चीज बाहर मार्केट में 15 रुपए की और 10 रुपए की, कोई 20 रुपए की भी देता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो चीज थी मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने कोशिश की कि आपको कम से कम दाम वाली चीज और अच्छी क्वालिटी में दिखाई जाए। दोस्तों यहाँ पर मैंने काफी सारी चीज 5 रुपीज में देखी जो कि बहुत बहुत ही अच्छी मुझे लगी, लेकिन थोड़ी सी क्वालिटी कम्प्रोमाइज थी। यही चीज सेम बाहर 10-20 रुपए की मिलती है। अब यहाँ से दोस्त जाने के बाद मैंने फिर यहाँ की वीडियो, टी शर्ट की वीडियो बनाई जो कि मात्र 100 रुपए की थी और मुझे बहुत पसंद थी, बट मैंने ये ली नहीं क्योंकि बहुत अच्छी थी, इसलिए मैंने ये ली नहीं दोस्तों। खैर यहाँ मजा आया बहुत ज्यादा। इसके बाद मैं फिर गया स्लीपर्स के पास, तो ये स्लीपर दोस्तों 200 रुपए की, 250 रुपए की यहाँ सेल लगी हुई थी, अलग अलग प्राइस की थी। और यहाँ पर ये दोस्तों 200-250 रुपए की सैंडल्स थी, बहुत अच्छी अच्छी। और ये मैंने ये दोस्तों 30-30 रुपए के हैं और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये पूरे रबड़ के हैं एकदम। ये एक लगेगा लेना तो ये भी देखिए भैया, बड़ा ये कितने बड़े वाले, ये 50 वाले भैया, ये वाला ये जिनमें बैंड लगे हुए हैं। नहीं ये बिना बैंड वाला, ये बैंड है, बैंड है। अच्छा बिना बैंड की चाहिए बाइक, नहीं मिलेगी बिना बैंड के बाइक लगी है, ये लगी है कौन सी, ये स्कूटी, ये 50 रुपए का इसमें बैंड लगा हुआ है, ये अच्छा लग रहा था, ये जो लगा है वैसे ही मिलेगा, बाकी बिना बैंड की स्कूटी नहीं है, स्कूटी है बस है, बाइक फी पर खत्म हो गई है। देख लो एक पड़ी हो तो एक दे दीजिए, नहीं भैया जो है सामने बाहर ही, अंदर कुछ नहीं पड़ा। एक्चुअली मुझे बैंड भी निकालना पड़ेगा, ये छल्ला है ना ये भी निकालना पड़ेगा, सिर्फ ऐसे ही यूज कर।
तो मेरा मूड ख़राब हो गया है। अभी सारी व्लॉगिंग मैंने की थी, सारा वीडियो शूट किया मैंने अभी अभी, बट दिक्कत हो गई कि जो मेरा माइक था वो लगा नहीं सही से और किसी की भी वॉइस नहीं आई। सारी व्लॉगिंग मेरी बेकार होगी, अब दोबारा से मैं शूट करूँगा। अभी जाके शूट किया था, सारा का सारा वो वेस्ट हो गया, क्योंकि जो वॉइस थी वो किसी भी वीडियो में नहीं आई, सिर्फ घर तक तो आई थी बट इसके बाद वो नहीं आई। काफ़ी सारे लोगों ने चीज़ भी दिखाई मुझे और बोले कि हाँ चलो वीडियो शूट कर लो, और शूट भी किया लेकिन बड़ी सारी गड़बड़ हो गई। चलो मैं अभी दोबारा कोशिश करूँगा कि कोई राज़ी हो जाए शूट के लिए। तो ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपको दोबारा। अच्छा है ना, कब ये बेचारे भाई हैं, खड़े हैं बहुत देर से, घंटों से, और इनका एक भी नहीं बिका लग रहा मुझे। बिका होगा तुम्हारा, बिका कुछ नहीं, बिका ना, नहीं बिका ना, क्योंकि देखो दोस्तों ये सारे भरे लग रहे हैं मुझे ये, और इनका लग रहा है एक खाली है, बस एक बिका है ना। क्या बेचारे कमाएंगे यार, ऐसी महंगाई में बुरा हाल है। कितने बिके तुम्हारे पीस? एक बिका बस, दो पीस बिके हैं बस। कितने कितने का? 150 के दो। क्या यार, घंटों घंटों खड़े होना, इतना वजन लेके, इतना भारी है ये। चलो ठीक है, कितने का भी है? 300 भी है। तीन सौ का है ना? सामने वाले कितने का भी है? वो भी ले जा, सामने वाला कोई, ये वाले, ये भी 300 का, 300 का है। जी प्यारी लग रही है, है? लेना है क्या? हाँ। लेगी? है? 300 रुपए का। 300। ये जेंट्स वाले कितने का? जेंट्स वाले? 300 रुपए ले यार। जेंट्स वाले? 300। गर्ल भी है, लेडी भी है, कोई भी ले जा। 300। क्या है गर्ल्स? जेंट्स है, जेंट्स। ले रहा गन्स भी है, गन। 300 रुपए की भाई बहुत बढ़िया चीज है यार। 300 की कोई सी भी ले लो, सही है, अच्छी है। लेडीज और जेंट्स दोनों, वो कह रहे हैं गन्स और बॉयज दोनों। 300 की सारी अच्छी लग रही थी। 300। चलो कितने कितने का ही? जैसे ये वाला है, ये और ये कितने कितने दोनों? ये 200, ये 450, ये 450। पत्थर के है ना, हाथ से बने हुए? 300 मार्बल के। देख लो ये दोस्तों, ये एकदम मार्बल के है ना, ये मार्बल के हैं, 450 रुपए का। ये 300 साढ़े 600। अरे चकला 200 रुपए, अलग से आता है बेलन के साथ में आता साइड, बेलन जो बेलन 70 रुपए का। वो पत्थर का होता है इसका ही? अच्छे अच्छे ये वाले। ये देखो बेटा, अलग अलग बेलने होते हैं, बड़ा भारी है, हल्का भी मिल जाएगा ना। अच्छा है वैसे, क्वालिटी मजबूत। चलो ये 50-50 रुपए के हैं, कोई सा भी ले लो। ये खेलने के, पहनने के, क्या किस चीज़ के? ये क्या है? डेकोरेशन का है। अच्छा डेकोरेशन का है ये, क्रिसमस आइटम, क्रिसमस। ओके ओके, ये सब कड़े हैं ना? हाँ ये सब कड़े। 50 रुपये कोई सा भी? हाँ। और ये सर, ये क्या भी है? वो नेक पीस है, 100। ये 100 रुपीज़ के हैं सारे नेक के? नहीं, ये कहाँ का है आइटम? ये दिल्ली का ही है। नहीं मतलब ये ट्रेजरी है क्या बाहर का कहीं का? पहली बार देख रहा हूँ मैं ऐसे, इतने हैवी हैवी पत्थर से। हाँ इतने बड़े बड़े। यूपी में भैंस की गंदे केरला वगैरह। और ये वाले भैया? ये 50 वाले। ये 50 के? लेकिन अच्छे लग रहे हैं जो भी, एकदम यूनिक चीज़ लग रही है। एंटिक ज्वेलरी। हाँ एंटिक ज्वेलरी बराबर भाई। भैया ये हैवी, 100 बहुत हैवी है, चीज़ अच्छी है लेकिन। ये क्या
ये दांत है शायद ना किसी का, किसी दांत है ये सब मिल, ये रियल है वैसे हड्डी, ये हड्डी है एकदम दोस्तों, ये यूनिक आइटम है सारे एंटिक, ये सब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें एकदम 100 रुपीज़ के एकदम यूनिक यूनिक चीज़ें। कितने कितने का भैया, कब ये कितने, ये और ये आगे वाले 100 रुपए के दो है, 150 के दो है, ये 100 के दो, ये 150 के दो, व्हाइट वाले 100 रुपए का एक है, 200 के दो, ये वाला व्हाइट वाले भाई, ये बोलते ना कि व्हाइट, अच्छा ये वाला व्हाइट वाला, ये 100 का एक, ये भी 100 रुपए का, ये भी 100, ये भी 100 रुपए का एक अंकल, ये 150 के दो, 75 के 150 के दो, तो ये कुछ कम होएंगे, फिक्स रेट अंकल, ये फिक्स रेट है, ये ले लो 100 के दो है, ये फाइबर की है ना प्लेट है, 300 की 6, ये 300 की 6 है, और दोस्तों ये भी, ये भी एक ही रेट है, ये भी सब एक ही रेट है, छोटी लेनी है 200 की, छोटी 200 की 6, ये 300 की 6, ये सब एक ही रेट है सारी की सारी, छोटा खेलने वाला टॉयज भाई साहब, अर्शू के लिए लूँगा मैं ये खेलने के लिए, अर्शू के लिए, भैया कितने कितने का ये बताया आपने, ये कितने बताया था आपने, 50 रुपये का ना, और ये 30 रुपये का, ये एक ले लेता हूँ मैं, चलिए सब में, तो ये मुझे दे दो एक इसमें से, अच्छी अच्छी तो मुझे एक दे दो, ये कितने कितने का है, ये कितने का है, ये 250 रुपए का, ये है क्या चीज़, ये कछुआ घर में रखते हैं, शुभ होता है, नहीं ये पूरा क्या है, ये स्ट्रे है, अच्छा स्ट्रे है, ये तो पूरा सेट है ना, ये हाँ पूरा सेट है, और ये अच्छा ये वही है, हाँ सब वही है, और ये क्या है, ये भी सब वही है, दिखाने के लिए, ये कितने कितने के, ये आपको ज़्यादा पीस लोगे तो 100 रुपए लग जाएगा, 4, हाँ 4, और एक पीस कितने का, ये तो 150 के बेचते हैं, अच्छा अच्छा 400 रुपए का पड़ेगा ना, तो ठीक है नेक्स्ट सैटरडे वाला ले जाऊंगा मैं, ठीक है ठीक है बता दो, और क्या क्या बेचते हो, रेट लगा दूंगा मैं, रेट ठीक है ठीक है ठीक है, तभी मुझे आप ये दे दो, ठीक है हाँ अभी वो दे दो मुझे एक, हाँ ठीक है, ये कितने के भी, ये पत्थर के ना, वैसे 100 के 4 है, 4 बताए उनको भी आपको बता दूंगा, 100 के 4, ये पत्थर के ना, हाँ टूटे नहीं, तो दिखाइए मैं, दिखाइए अच्छे लग रहे हैं, वैसे रख लीजिए, चलो दे दीजिए वाला, दोस्तों मैंने अभी यहाँ से ले लिया है अर्शू के लिए, ये खेलने के लिए पत्थर को खेलता है, अभी 100 के 4, ये 100 के 4, अच्छा ये मैंने वहाँ से लाया हूँ कहीं से, ठीक है ये 100 के 4 हैं, बड़ा कोई सा भी 100 के 4, ये वाले देखो 100 के 2, ये कितने के, 100 के 2, बड़ा साइज है ये, बड़ा साइज 100 के 2, कुछ कम होगा ना फिक्स हो गया इनमें, अच्छा इधर लगे उधर आता हूँ मैं, ये 100 के 2 हैं दोस्तों, बड़े बड़े हैं ये 100 के 2, साइज में बड़े हैं और वो छोटे हैं वाले, और ये वाले जो ये सब 100 के 4 है, पहले 100 के 5 देते थे आप, ये पिछले हफ्ते 2 हफ्ते पहले आया था मैं, नहीं नहीं मिले गए यहाँ तापसी वाले, पहले होगा 2 साल पहले का दूंगा, नहीं 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 जहाँ 2 या 3 हफ्ते हुए शायद, आई थिंक जहाँ तक मेरा हिसाब है मुझे याद है, अरे भाई ये तो बड़ा खतरनाक है यार, ये कितने का, 50 रुपये का, ये भी कुछ ज़्यादा टिकट लग रहा भाई साहब, दोस्तों ये देख लीजिए आप टाइगर, ये सब लॉइन सब हैं बड़े बड़े, ये कहाँ से आते हैं आप, ये माल हैं चाइना का माल है, जो बहुत महंगे महंगे आते हैं वैसे, ये 50 का है, ये क्या, ये वैसे डॉगी के लिए, अच्छा डॉगी के लिए, अच्छा बोटी हुई लेग पीस है, चलिए ठीक है भैया, 100 के 4, 100 के 2, 100 के 4, बहुत ही यूनिक चीज़ है एकदम अंकल के पास, और ये सब एक अलग में दुकान थी अंकल की, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं इधर आ गया और अभी अंकल के से पूछूंगा ये कितने कितने का आइटम है सारा, ये सारे इयर रिंग हैं, ये सारे एंटिक हैं, बहुत पुराने पुराने लग रहे हैं देखने में, ये इयर रिंग हैं, ये फिंगर रिंग है सारी, सारे सेट हैं,
ये देखिए अंकल कितने कितने का सेट है वाला, ये कितने का है वाला? 4500 का। ये वाला दोस्तों 4500 का, सबके अलग अलग रेट है यहाँ पे। अंकल ये वाला हरा वाला ये 3500 का। ये ब्राइडल सेट है अंकल? ये ये सारे ब्राइडल सेट है दोस्तों, ये शादियों में पहनते हैं। तो अंकल ये कैसे ये इसका नग निकले हुए पुराने कैसे? अच्छा अच्छा सारे ये ब्राइडल सेट है दोस्तों, ये भी सारे ब्राइडल सेट हैं दोस्तों। अगर आपको चाहिए तो जनकपुरी सी ब्लॉक C4 है अंकल, ये C4F में आपको चाहिए तो यहाँ पर अंकल के पास आकर ले सकते हो। अंकल आप हरवा यहाँ लगाते हो जी, तो आप थोड़ा बता देंगे एड्रेस, थोड़ा बताइए हमारे दोस्तों का एड्रेस क्या होगा यहाँ पूरा? C4F जनकपुरी नियर बाय। ओके कौन सा? जनक नर्सिंग होम। अच्छा जनक नर्सिंग होम के जस्ट बैक साइड में अंकल लगाते हैं यहाँ पे दोस्तों। कभी भी चाहिए आपको यहाँ से आकर ले सकते हैं। और अंकल ये कैसे कैसे? ये तो टेंपल ज्वेलरी है। अच्छा ये टेंपल ज्वेलरी है। सॉरी ओके ये तो न्यू है ना? हाँ जी। ओके ये कितने का अंकल? ये 3500 का। 3500 का दोस्तों बहुत हैवी है ये, मैं हाथ में लेकर देख रहा हूँ, क्वालिटी इसकी बहुत हैवी लग रही है, काफ़ी अच्छी लग रही है। ये टेम्पल ज्वेलरी है, ये लक्ष्मी जी है ना? जी हाँ। ओके ये सब ये भी लक्ष्मी जी यहाँ मिल रही हैं घड़ियाँ। हेलो। और जिसका वक्त ख़राब है वो आकर यहाँ पर अपना वक्त सही कर सकता है इन घड़ियों को लेके, और टाइम सेट करके उसका वक्त फिर अच्छा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और ये हैं गोगल्स स्पेक्स। जी हाँ यहाँ हैं बच्चों के बहुत सारे कपड़े, आप देख सकते हैं यहाँ कोई बंदा नहीं खड़ा जो मैं रेट पूछूँ कितने कितने का है। पीछे खड़ा तो अंकल बिजी थे, उनसे मैंने पूछा नहीं। और ये सारी चीज़ हम कर सकते हैं। सबसे अच्छी देखो मुझे दोस्तों ब्लैक वाली ये वॉच अच्छी लगी है, और ये वाली घड़ी बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, और ये भी सब बहुत अच्छी अच्छी वॉच है दोस्तों। तो देखिए ये बहुत खूबसूरत खूबसूरत वॉच है दोस्तों, अच्छी अच्छी लग रही है, बहुत मस्त मस्त। मैं रेट पूछता हूँ अंकल, ये ब्लैक वाली कितने की है वॉच? ये वाली वॉच ये भी अच्छी लग रही है, 1000 की। ये किस कंपनी की है? नटराज 1000 की। और ये सोर्या की है। ये दोस्तों बहुत अच्छी बहुत खूबसूरत वॉच लग रही है दोस्तों, 550 रुपये का सीटा, बहुत अच्छे अच्छे न्यू ब्रांड एकदम सिले सिलाई नहीं है, 550 रुपये के। जो कि दिया का ऐसा है ये जो पॉन्सो टाइप का नहीं, ये कितने का अंकल? 200 का। ये 350 का अच्छा है ना दोस्तों? ये 30 रुपीस के हैं। हाँ 30 का कोई सा भी दे सकते हैं आप, 30 रुपीस का एक है। मसाला बिस्किट ये 30 रुपीस का है, कोई सा भी 30 का अच्छा है। ये बहुत ही अच्छी लग रही है एकदम। कितने देंगे ये? कितने के भैया? 20 रुपये की है। दोस्तों हमने ले लिए छल्ली, छल्ली बोलते हैं इनको, सीट को छल्ली है, छल्ली 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 को नहीं है कुछ पकड़ने के लिए, पकड़ने के लिए ऐसे ही बस। अरे यार हाँ ये जगह ये ठीक है। हाँ ये 30 रुपये। दोस्तों ये छल्ली ले चुके हैं हम लोग दोस्तों। अभी मैंने ये छल्ली ले ली है, इसे छल्ली को हम खाएंगे। एक मैं खाऊंगा निशा, एक बहन खाएगी मेरी छोटी वाली, बोले खाती नहीं है, और एक मैं खाऊंगा। दिखाइए भैया
इधर आ जाओ, चप्पल सेल 150 150 150 150 रुपए की ले आओ, हमारा 150 रुपए की ये है, बाकी चप्पल गिर जाती है बट ये नहीं निकलेगा। ओके, लाइट वेट होता है, सर्दी में सॉफ्टनेस के लिए बहुत प्यारा लुक है ये। ठीक है, कलर्स भी है हमारे पास, डिजाइन भी कलर भी साइज भी सारे अवेलेबल मिल जाएंगे। ओके, ये 200 की रेंज में मिल जाएगी, 200 की 200 की रेंज में। ठीक है, ये ओके आ गया भाई, समझे, यहाँ देखा 200 की रेंज मिल जाएगी, इसमें चार पांच कलर मिल जाएंगे। ओके, सर्दियों में सॉफ्ट स्टैंड के भी डाल सकते हो आप, इसलिए स्लीपर चाहिए। ठीक है, ग्रिप वाला होता है, इसमें स्लीप नहीं करेगी ये, येलो। ओके, आएगा हमारे पास क्रॉक्स आ जाएगा, क्रॉक्स इस तरह के क्रॉक्स आता है, क्रॉक्स होता है ये। लाइट वेट का आपका वेट देखो आप, 50 ग्राम भी नहीं है, चलने पे स्मूथ लगेगा, बाकी बैग भी लगा सकते हो। बाकी इसमें हम कितने का भाई, कितने का, इसमें चार पांच आर्टिकल मिल जाएंगे भाई साहब, कितने का, कलर्स भी है, डिजाइन भी है। ये हमारा सैटरडे मार्केट लगता है, वीकली मार्केट, परमानेंट शनिवार को। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों हमारा जो ब्लॉग है वो एंड हम करने जा रहे हैं। दोस्तों हमने अब चल रहे हैं घर की तरफ, और बहुत सारा सामान मैंने ले लिया है, और अभी मैं चल रहा हूँ घर की तरफ, और लड़कियाँ जो सिस्टर हैं दो पीछे रह गई हैं, दोनों की दोनों अभी तक नहीं आई। तो दोस्तों मैंने कोशिश की है आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की, और अगर वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। और इसी तरह की मैं जगह जगह हर एरिया की मार्केट में दिल्ली के अंदर एक्सप्लोर आपके सामने कर सकूँ, कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको मैं अच्छी से अच्छी चीज़ दिखाने की कोशिश करूँ। कल दोस्तों मैं जाने वाला हूँ संडे दिल्ली चोर बाजार, तो दोस्तों वहाँ की वीडियो मैं आपके सामने पेश करूँगा, कुछ सामान वहाँ से मुझे ख़रीदना है, और दोस्तों आपको दिखाऊंगा कल की वीडियो के बारे में। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपको न्यू डे एंड न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।